हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रिकॉर्डिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके बारे में ये पर्सन किससे और क्या बातें करते हैं, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। ओके माय लवली व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको एक बात और बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडियक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। साइन है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये आपके साइन या फिर आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए एक नंबर, चार नंबर और तीन नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। ये नंबर्स कहीं ना कहीं आपके जीवन में या तो कोई महत्व रखते हैं या फिर इन डेट्स में, इन मंथ्स में आप अपने पार्टनर से मिले हुए हो सकते हैं या फिर ऐसा भी लग रहा है कि इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपका जन्म हुआ है या फिर आपके पर्सन का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर कोई ना कोई रिश्ता, कुछ ना कुछ तो इन डेट से, इन मंथ से आपका नाता है। ओके, तो ये तो रही जोडियक साइंस और नंबर्स की बात। अब बात करेंगे आपके पर्सन से आपका क्या रहता है, आपके पर्सन से किस तरह का रिश्ता है, आप क्या फील करते हैं अपने पर्सन के बारे में, आप क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ना ऑनलाइन मिले हैं, आप अभी भी अपने पर्सन को ऑनलाइन चेक करते रहते हैं। अगर आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में हैं तो भी आप इस पर्सन का मोबाइल चेक करते रहते हैं कि कहीं ये पर्सन कहीं और तो कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहे, यानी कि कहीं और आपके अलावा टाइम स्पेंड तो नहीं कर रहे, किसी और के साथ बातें तो नहीं कर रहे, कहीं आपके पर से ध्यान हटकर किसी और की तरफ तो नहीं चला गया। आप हमेशा इस पर्सन को ना एक ऐसी नज़र से देखते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना कुछ इस तरह का इंसान है कि थोड़ा सा चंचल स्वभाव है इस पर्सन का। ये पर्सन किसी और के बहकावे में आ सकते हैं, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। आप ना अपने पर्सन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, इसलिए इस पर्सन पर नज़र बनाए रखते हैं आप। या फिर ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, आपका पर्सन ऐसा करता है। यहाँ पर अगर आपकी इस पर्सन से बात हो रही हो, तब नहीं भी हो रही हो, ऑनरअप सिचुएशन हो या फिर पूरी तरह से कांटेक्ट इस पर्सन से आपका बंद हो, तो भी आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, एक दूसरे पर नज़र बनाए हुए हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है। और अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो यहाँ पर इस पर्सन का चंचल स्वभाव दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉर्ड्स के कार्ड में। और जितना ये पर्सन चंचल है ना, उतना समझदार भी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी तो इस पर्सन के हंसने खेलने के दिन हैं, इस पर्सन को एंजॉय करना है अपनी लाइफ में और ज़्यादा रिश्तों को लेकर सीरियस नहीं होना। फिर भी ये पर्सन अंदर ही अंदर ऐसा फील करते हैं कि आप पर नज़र बनाई जाए ताकि आप इस पर्सन के कंट्रोल से बाहर ना जाएँ, कहीं आप इस पर्सन को छोड़ ना दें। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आप पर शक करते हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता नज़र आ रहा है ना, तो वो इसी तरह का नज़र आ रहा है कि कभी तो आप दोनों एक दूसरे से रूठ जाते हैं और कभी ये पर्सन आपको मना भी लेते हैं और कभी आप इस पर्सन को मना लेते हैं। पर अब नाराज़गी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने कोई ना कोई पर्सन आप दोनों के रिश्ते में आने की कोशिश कर रहा है, भले ही कोई आपका फ्रेंड हो या इस पर्सन का फ्रेंड हो, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। आपका पर्सन इस बात को नहीं समझ पा रहा, आप इस पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं नाकाम है, क्योंकि इस पर्सन के चंचल स्वभाव से कहीं ना कहीं आप इस डर में रहते हैं कि कोई ना कोई आपके पर्सन को आपसे छीन ना ले। ये डर आपका सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक नज़र भी आ रहा है, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर कोई ना कोई तो है जो आप दोनों के रिश्ते में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इस पर्सन के जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो इस वक्त इस पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन इस सिचुएशन से बाहर आ सके। तो ये पर्सन कोशिश में लगा है कि इस सिचुएशन से बाहर आ सके, अपनी लाइफ को बेहतर बना सके और आपके लिए कुछ कर सके। तो इस पर्सन की फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आप पहले थे तो आप
कुछ और नज़र आ रही है। यहाँ पर कोई रिश्ता हो सकता है, इस पर्सन का करियर, इस पर्सन की स्टडी, इस पर्सन की फैमिली, कोई भी अदर पर्सन हो सकता है जो इस पर्सन को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना द एम्परर का कार्ड है और ये कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई ना कोई इस पर्सन के जीवन में ऐसा है जो इस पर्सन को कंट्रोल कर रहा है, या फिर ये पर्सन खुद आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके रिश्ते में आ ही रही है, इस पर्सन की वजह से हो या किसी अदर पर्सन की वजह से हो। और ये पर्सन ना चीज़ों को ना इंसानों को और जो भी इस पर्सन की लाइफ में लोग होते हैं उन्हें कंट्रोल करके रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, उन पर राज करना पसंद करते हैं। ये पर्सन अपनी मनवाना चाहते हैं, ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है। इस पर्सन का इस तरह नेचर यहाँ पर द एम्परर के कार्ड में नज़र भी आ रहा है। तो ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने बिहेवियर से ना दूसरों को थोड़ा सा ना कंट्रोल करके रखता है। यानी कि इस पर्सन के बिहेवियर में ही ये कुछ ऐसी बात है कि ये पर्सन एक अच्छा लीडर तो है, सबको साथ में लेकर चलता है, पर कभी कभी डोमिनेट हो जाता है ये पर्सन। तो इस पर्सन का डोमिनेटिंग नेचर यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। हर वक्त ये पर्सन एक्शन लेने के लिए रेडी रहता है, लड़ने के लिए रेडी रहता है और स्टैंड लेने के लिए भी रेडी रहता है। कुछ अच्छी क्वालिटीज़ इस पर्सन में इस हद तक हैं कि ये पर्सन आपको और अपनी फैमिली को दोनों को साथ में लेकर चल सकता है। काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है। इस पर्सन में कुछ ईगो भी है, थोड़ा सा घमंड भी है, और वो इस पर्सन की पावर की वजह से है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो पावर इस पर्सन के पास है वो इस पर्सन को थोड़ा सा दूसरों से अलग बनाती है। तो कहीं ना कहीं पर्सन में ये एक घमंड आ गया है। फिर भी इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि अभी इस पर्सन की इतनी उम्र नहीं है, इतनी समझदारी की। ये जो पर्सन बातें करता है, जो ये लोगों से आपके बारे में बात करता है, वो इसलिए कर पाता है क्योंकि ये पर्सन ना अपनी लाइफ को लेकर और आपको लेकर काफ़ी सीरियस है। तो ये पर्सन अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करते होंगे ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन आपके बारे में जिस किसी से भी बात करते हैं ना, आपकी तारीफ़ करते हैं, पर कहीं ना कहीं इस पर्सन के आप कंट्रोल में रहें इसके बारे में भी ये पर्सन बात करता है। और इस वक्त भी ये पर्सन आपके बारे में जो सोच रहे हैं ना, वो इसी तरह की थिंकिंग है कि आपको ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति बना दे जहां आप इस पर्सन की मर्ज़ी के बिना कोई भी काम ना करें। और यही वो वजह रहती है कि आप दोनों के बीच काफ़ी फाइट्स होती हैं। और इस वक्त भी अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो इसीलिए नहीं हो रही, क्योंकि आपके पर्सन के स्वभाव में ही कुछ ऐसी बात है कि ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहता है और आप इस पर्सन के कंट्रोल से बाहर आ चुके हैं। और आपने भी कहीं ना कहीं अपना रास्ता बदल लिया है, कोई न्यू डायरेक्शन आपने अपने लिए चूज़ कर ली है। तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान बनाए हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की भी खबर लेती रहनी चाहिए, क्योंकि आप इस पर्सन को पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की तरफ से आने वाले एक्शन का भी इंतज़ार कर रहे हैं। ये पर्सन एक्शन लेने की पोजीशन में नज़र भी आ रहा है, तो इन फ्यूचर आपको इस पर्सन की तरफ से कोई भी एक्शन मिल सकता है, ये पर्सन आपसे बात कर सकता है या कोई पैगाम भेज सकता है। या फिर ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच कुछ फाइट्स हुई हैं किसी तीसरे पर्सन की वजह से, तो उस इंसान से ये पर्सन बात करके आपसे बात कर सकता है। तो उस इंसान के थ्रू ये पर्सन आपको कोई पैगाम भेजेगा, आपसे बात करेगा, आपसे मिलने आ सकता है। और अगर अभी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, तो उस इंसान से तो आपके बारे में लगातार ये पर्सन बातें कर रहा है। तो ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा करने का सोच रहा है, कुछ प्लान करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लेकर सीरियस है ये पर्सन। कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के रिश्ते में अधूरी रह गई हैं और ये अधूरापन ये पर्सन बहुत जल्द दूर कर देंगे। आपका अधूरापन दूर होने जा रहा है। इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलने वाली हैं, ये पर्सन खुद बताएंगे और कुछ क्लैरिटी आपको देंगे। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।